नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर। आप लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं कि हमें चंदन लगाना है और हमें इसके लिए क्या करना है और हमारे यहाँ की इस मिट्टी है, इस मिट्टी में होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, चंदन लगाने के लिए इसके लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है। चंदन के लिए कुछ ख़ास बातों का आपको ध्यान रखना है और जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जानकारी हमें दी गई है या हमने ट्रेनिंग में सीखी है, हमने कर्नाटक और बेंगलोर से इसकी ट्रेनिंग ली थी, वहाँ पर ये चीज़ें हमें बताई गई थी, वही चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। तो आप मेरी इन बातों का ध्यान रखें और अगर कोई भी आपको मेरी जिंदगी की जानकारी में शंका होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि चंदन का पेड़ कहाँ मिलेगा। तो देखिए, चंदन की बहुत सारी नर्सरियाँ लोग कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन बीज मंगा के डालते हैं, जर्मिनेट नहीं होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप किसी भी सरकारी नर्सरी से ही चंदन का पेड़ खरीदें और वो चंदन का जो पेड़ हो असली होना चाहिए, क्योंकि लोग आज चंदन के मिलते जुलते जो आड़ू का पेड़ भी चंदन के पेड़ की तरह ही होता है वो बेच देते हैं, बहुत से कनेर का पेड़ होता है वो भी चंदन के पेड़ की तरह लगता है शुरू में, वो भी बेच देते हैं। तो आप चंदन के पेड़ को खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें और चंदन का जिससे भी पेड़ खरीदें उससे बिल, पक्का बिल जरूर ले लें। बिना बिल के आप चंदन का पेड़ बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि जब पेड़ बड़ा होगा तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये चंदन का पेड़ आपने कहाँ से लिया। अगर आपके पास बिल होगा तो ये सारी जिम्मेदारी उस कंपनी की, उस बिल देने वाले की होती है कि वो चंदन का पेड़ असली है, इस बात की वो गारंटी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको उन्हें कनेर का पेड़ या आड़ू का पेड़ आपको चंदन का पेड़ बना के दे दिया। दूसरी बात, अब ये चंदन के लिए हम ज़मीन को कैसे तैयार करें या खेती के लिए हम ज़मीन कैसे तैयार करें, ये कैसी मिट्टी में चंदन हमारा होगा। तो आज मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ कि चंदन जो पाया जाता है दक्षिण भारत में, वहाँ लाल मिट्टी होती है और वो लाल मिट्टी हमारे उत्तर भारत में नहीं होती। तो आपकी जो शंका है कि सर हमारे यहाँ मिट्टी में होगा या नहीं होगा, तो इससे डरने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंदन हर मिट्टी में हो जाता है, चाहे वो लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, या रेतीली मिट्टी हो, या चिकनी मिट्टी हो, या फिर दोमट मिट्टी हो। बस आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि चंदन के लिए कम पानी वाली मिट्टी होनी चाहिए, मतलब साफ है कि ऐसी जगह जहाँ पानी कम हो, ऐसी जगह जहाँ पानी का रुकाव कम हो और ऐसी जगह जहाँ बरसात पड़े और पानी निकल जाए, यानी कि कम पानी सोखने वाली मिट्टी। और अगर आपकी जहाँ चंदन लगाना चाहते हैं वो गहरा है तो आपको पानी निकालने के लिए व्यवस्था करनी होगी कि चंदन में 2 से 3 दिन से ज़्यादा पानी जम के ना रहे, उसमें खड़ा ना रहे, चंदन की पेड़ की जड़ें ज़्यादा दिनों तक पानी ना रहे। तो आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाइए, चाहे आप रेतीली मिट्टी में लगाइए, चाहे आप दोमट मिट्टी में लगाइए, चाहे आप चिकनी मिट्टी में लगाइए, चाहे आप काली मिट्टी में लगाइए, बस विशेष ध्यान आपका यही होना चाहिए कि जहाँ भी आप चंदन लगा रहे हैं, जहाँ पर आप चंदन की खेती कर रहे हैं, वहाँ पानी का रुकाव कम होना चाहिए, पानी का भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बरसात पड़े और पानी निकल जाना चाहिए। खेत में आप पानी लगा रहे हैं तो पानी चंदन की जड़ में नहीं होना चाहिए, यानी कि कम पानी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है चंदन के लिए, सबसे कम पानी वाली मिट्टी। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार समझा रहा हूँ, चंदन के लिए किसी विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, आपको चंदन के लिए किसी भी मिट्टी की जांच कराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उत्तर भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो 4.5 PH से 8 PH की मिट्टी होती है और इस मिट्टी में हमारा चंदन बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप खेती करें चंदन की और जिससे चंदन का पेड़ खरीदें उससे बिल जरूर ले लें, बिना बिल के आप चंदन का पेड़ बिल्कुल भी ना खरीदें। तो जैसे आपके सवाल थे, मैं समझता हूँ आपकी समस्याओं का हल हो गया होगा। अब बात आती है कि हम खेत की कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको खेती के लिए, चंदन की खेती के लिए ज़मीन कैसे तैयार करनी है, चंदन का पेड़ किस मौसम में लगाना चाहिए
और चंदन के पेड़ को आप कहाँ से खरीदें, और चंदन को लगाने के बाद उसे कैसे पाला जाएगा, और चंदन को जब बड़ा हो जाएगा उसको कौन खरीदेगा। तो इन सारी समस्याओं के लिए मैं आपके साथ फिर एक बार आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।